अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। आई होप आप सब खैरी से होंगे। तो गाइस, आज वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं अपनी परेशानी किसको बताऊँ। अपनों को मैं नहीं बता सकती, क्योंकि आपको पता है अपने जो है बहुत ज़्यादा इशू कर देते हैं। अम्मी अब्बू को, अब्बू नहीं है इस दुनिया में, मेरे अब्बू नहीं है इस दुनिया में, अम्मी है वो पहले बहुत परेशान है। तो मैं नहीं चाहती थी कि ये परेशानी उन्हें बताकर मैं उनको मज़ीद परेशान करूं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो परेशान हो। तो मैंने कहा आप लोगों से बात करती हूँ, अपने मन की बात, अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करती हूँ, हो सकता है आप लोग मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दें, क्योंकि आप लोग अब आप ही मेरी फैमिली हैं। आपको पता है मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ, खुशी की हो, गमी की हो, जो भी हो। परेशान में बहुत ज़्यादा थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं, किसको अपनी परेशानी बताऊं। फिर मैंने कहा आप लोग मेरी अपनी फैमिली हैं, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मैंने आपको अपनी फैमिली माना है, ठीक है ना। हर खुशी गमी जो भी है मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोग अच्छा मशवरा देते हैं, आप लोगों ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छे टिप्स देते हैं मुझे। तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ, हो सकता है मेरी परेशानी जो है वो कुछ कम हो जाए। परेशान बहुत ज़्यादा हूँ मैं। आप लोगों को पता है मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, हर बात को मैंने ख़त्म किया है। हमारी जब लड़ाई होती थी ना, तो मैं सॉरी करती थी, मेरी गलती होती थी या नहीं भी होती थी, सबसे पहले मैंने सॉरी करना, मैं ही बात को ख़त्म करती थी, वो नहीं। मैंने हर बात को इग्नोर किया है, हर बात को इग्नोर किया है। अब बर्दाश्त की हद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं होता। आप लोगों बताएं, शादी के बाद ये सब कुछ होता है, इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या ये एक औरत की किस्मत में लिखा है कि शादी के बाद वो सब कुछ बर्दाश्त करे। आपको पता है उन्होंने मुझे कभी भी नहीं मनाया, मैं जब भी नाराज़ होती थी उन्होंने मुझे कभी भी नहीं मनाया। या फिर जिनके बाप सर पे नहीं होते उनके साथ यही होता है कि उन्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती। हमारी जब भी लड़ाई हुई है या फिर हमारा कभी भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैंने अम्मी को कभी कोई बात नहीं बताई। मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि ये हमारा रिश्ता आप लोग जानते हैं किस तरह हुआ है, बड़ी मुश्किल से हमने किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी को कोई पता चले कि हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर हमारे दरमियान कोई ऐसा इशू है। अपने आप लोगों को पता है आजकल जो अपने हैं वो अपने नहीं हैं, खुश रहना पड़ता है। आपको पता है शादी के बाद एक लड़की को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, उन्हें अपनी ख्वाहिशों के साथ समझौता करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी वो मतलब ऐसे महसूस करवाती जैसे वो बहुत खुश है, ठीक है ना। ये शादी के बाद मुझे पता चला है कि औरत को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, ठीक है ना। ना चाहते हुए उन्हें हंसना मुस्कुराना पड़ता है, बात जो ना भी अच्छी लगे उसे वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैं आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, परेशान में बहुत ज़्यादा थी, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ,
ठीक है ना। फिर मैंने कहा आपसे बात करती हूँ, आप लोग हमेशा मुझे जो है वो अच्छा मशवरा देते हैं, आप लोग मेरी एक फैमिली है, हो सकता है आपसे दिल की बात शेयर करके जो है मेरे मन का बोझ, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो बस आप लोग